अगर आप कंसिडर करते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल, सो ये अगर नेगेटिव चार्ज हमने लिया और ये हमने लिया है पॉजिटिव चार्ज, ये लाइन ज्वाइनिंग, सो दिस इज द एक्सिस ऑफ डाइपोल यू कैन से। सो अगर इस लाइन पे आप डिस्कस कर रहे हो तो दिस लाइन पे कोई भी पॉइंट लोगे तो वो होगा एक्सियल पॉइंट, ये एक्सियल लाइन है, आप कोई भी पॉइंट यहां पर ले लोगे एक्सियल पॉइंट, और ये है परपेंडिकुलर, फाइन, इसको हम बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन ये है परपेंडिकुलर। अब इन दोनों के बाद आप कहीं पे भी ले रहे हो, समझो यहां पे हम ले लिया, ये होगा एनी पॉइंट, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, एनी पॉइंट, ओके। सो हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल लाइन और एक्सियल पॉइंट, ओके। सो पहला जो पॉइंट है, और ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल लाइन और पॉइंट, एक्सियल लाइन मैंने लिया, फाइन। सो हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे, तो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया यहां पे, ये है हमारा नेगेटिव चार्ज, हमने यहां पे ले लिया है पॉजिटिव चार्ज, ओके, एंड सेपरेशन बिटवीन दे। सो अगर ये सेंटर होगा तो आप इमेजिन करो ये है पॉइंट, ये है माइनस क्यू चार्ज, ये है प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज इज एट पॉइंट ए, प्लस क्यू चार्ज इज एट पॉइंट बी, ये उसका सेंटर है विच इज ओ, ठीक है, एंड एज फार वी अंडरस्टैंड नेगेटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ओ इज एट डिस्टेंस ऑफ एल, सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल इज अगेन एट डिस्टेंस एल, एंड टोटल डिस्टेंस इज टू एल। हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। अब एक्सियल पॉइंट के लिए आप किस लाइन में, इस साइड भी जा सकते हो, इस साइड भी जा सकते हो, बट वी आर टेकिंग ऑन राइट हैंड साइड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। आप नेगेटिव चार्ज की तरफ भी लोगे तो भी डेरिवेशन में कोई फर्क नहीं होगा, जस्ट यू नीड टू फॉलो द बेसिक रूल्स, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट पी ले लिया, सो पॉइंट पी इज वॉट, ये हमारा पॉइंट ऑफ स्टडी, ये है पॉइंट ऑफ स्टडी, इज दैट क्लियर। हाँ, अभी एक और चीज आपको जानना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का भी नोटेशन पी होता है, बट ये वो नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें ना डिस्टेंस निकालना है पॉइंट पी का, वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द डाइपोल। तो अगर डाइपोल से आप डिस्टेंस ले रहे हो तो डाइपोल में पॉजिटिव चार्ज में नेगेटिव चार्ज है, तो कहां से डिस्टेंस लेना है, तो इट्स बेटर टू टेक डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर ऑफ डाइपोल। तो हमने डाइपोल के सेंटर से वो डिस्टेंस ले लिया, तो डाइपोल के सेंटर से पॉइंट पी का जो डिस्टेंस होगा वो हमने लिया है आर। तो हमेशा आप पॉइंट ऑफ स्टडी का डिस्टेंस डाइपोल से आर ही लोगे। अब क्या करना है, हमें पॉइंट पी पे, पॉइंट पी का डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज से लेना, तो पॉइंट पी का डिस्टेंस अगर पॉजिटिव चार्ज से लोगे तो ये होगा डिस्टेंस पॉइंट पी का फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। वैल्यू क्या होगा हम देख लेते हैं थोड़ी देर में। सिमिलरली हमें नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस लेना है, कहां से, पॉइंट पी से। अब ये क्यों ले रहे हैं आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा कि वी आर फाइंडिंग डिस्टेंसेस बिकॉज ऑफ व्हाट रीजन, यू विल अंडरस्टैंड वेरी सून। ये होगा डिस्टेंस को अगर आप नोटिस करते हो, व्हाट इज द वैल्यू ओवर हियर, इट्स टोटल आर, दिस आर, दिस डिस्टेंस इज आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल टू द पॉइंट ऑफ स्टडी इज आर। उसमें से मैंने एल डिस्टेंस निकालूंगा तो मुझे मिलेगा पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्टडी, तो ये डिस्टेंस होगा आर माइनस एल। सो आप जो भी आर रिप्रेजेंट करो उस टर्म में ले लो। और अगर मैंने सिमिलरली नेगेटिव चार्ज का फाइंड आउट किया, तो यहां से सेंटर ऑफ डाइपोल टू पी का डिस्टेंस इज ऑलरेडी आर, उसमें हम L ऐड करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगा डिस्टेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्टडी। एक और बात हमें पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब आप इमेजिन करो कि ये कोई लाइन है, ये एक्स एक्सिस की लाइन है, फाइन। एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर को हम लिखते हैं आई कैप, ठीक है। अब आप इसको इस तरह से कंसिडर करोगे, अगर ये लाइन राइट साइड में जा रहा है,
ये फर्स्ट वेक्टर है, इस वेक्टर को मैंने लिया है ए एक्स वेक्टर, दिस इज व्हाट ए एक्स वेक्टर, फाइन। अब ए एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, सपोज ए एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ए एक्स, फाइन, बट ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, इट्स गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, सो आई विल टेक आई कैप पॉजिटिव, दिस आई कैप विल बी पॉजिटिव, इफ आई एम नॉट राइटिंग प्लस साइन दैट्स ऑल्सो फाइन। बट अगर आप इमेजिन करो यहां पे कोई वेक्टर है, ये है, इस वेक्टर का नाम है बी एक्स वेक्टर, एंड यू कैन सी दिस गोइंग ऑन लेफ्ट हैंड साइड, इट्स गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू इट्स गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू ए एक्स वेक्टर, और इट्स गोइंग इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी एक्स होगा, फाइन। इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो कैसे लिखोगे, हमारा एक्चुअल में यूनिट वेक्टर ये है, इसके साथ में हम कंपेयर कर रहे हैं, तो ये हमारा वेक्टर ये लेफ्ट में जा रहा है और यूनिट वेक्टर पॉजिटिव होने के लिए ये राइट में होना चाहिए, तो अगर हम यूनिट वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहां पे हमें लेना पड़ेगा माइनस साइन। अब इसका यूज कहां पे और क्यों करेंगे वो आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कंडीशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट 1/4π ε₀, ये चार्ज की वैल्यू होगी या मैग्नीट्यूड में होगा, दिस चार्ज विल बी टेकन इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, ये प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आर क्या होगा, आर विल बी डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड पॉइंट ऑफ स्टडी, तो अब हम यहां पर स्टडी कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमें ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पॉइंट पी पे, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज आप देख लो कि अगर मुझे ना इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन निकाला, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का क्या डायरेक्शन है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, हमने पहले डिस्कस किया था, तो ये हमने यहां पर एक एरो ऐसे बनाया, इस एरो के आगे मैंने ऐसे लिख दिया पी यूनिट कैप, ये किसका डायरेक्शन है, इट्स अ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। आप यहां पे जितनी भी चीजें करोगे वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के टर्म में हमें कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके लिए, चार्ज के लिए, लेकिन जब हमने चार्ज को लिया, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी मैटर का, जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, क्यू इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बिकॉज ऑफ विच मैटर विल एग्जर्ट फोर्स, वो फिजिकल प्रॉपर्टी है क्यू। अब हमको ना इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लेना है दूसरे फिजिकल प्रॉपर्टी में, कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब मुझे इस Q को कन्वर्ट करना है P के टर्म में, अंडरस्टूड, ये हमारा टारगेट है। तो अब यहां पे ये समझ में आया, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज गोइंग ऑन राइट हैंड साइड बिकॉज नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है पॉइंट P पे बिकॉज ऑफ विच चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है पॉइंट P पे, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मुझे पॉइंट P पे फाइंड आउट करना है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज विल बी रिपेल्ड, तो मैंने एरो ऐसे बना, ये लिखा मैंने E प्लस Q वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस चार्ज की वजह से। अब मैं उसका इक्वेशन लिखता हूं, तो E प्लस Q वेक्टर का वैल्यू होगा 1/4π ε₀, ठीक है। अब आप देखो चार्ज की वैल्यू क्या है, चार्ज की वैल्यू है प्लस Q, मैग्नीट्यूड ही लेना, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ प्लस Q फ्रॉम पॉइंट P, या B से P का जो डिस्टेंस है क्या है, आर माइनस एल, ये डिस्टेंस है आर माइनस एल रेज टू 2, आपका इक्वेशन वन। अच्छा इक्वेशन वन से पहले ये मैग्नीट्यूड के टर्म में, मैं वेक्टर ले, ये मैग्नीट्यूड है, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो आई नीड टू गिव यूनिट कैप ओवर हियर, तो मैं यूनिट कैप किसका रेफरेंस ले रहा हूं, मैं यूनिट वेक्टर, दिस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज गोइंग ऑन राइट हैंड साइड, ये भी उसी साइड में जा रहा है, तो यहां पर यूनिट वेक्टर हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, फर्स्ट पॉइंट। एज यू कैन सी यूनिट वेक्टर राइट साइड में है एक्स एक्सिस का, तो अगर ए वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव यूनिट वेक्टर विल टेक। अब हमने यहां पे ले लिया सेकेंड चार्ज के लिए, सेकेंड चार्ज कौन सा है हमारा, सेकेंड चार्ज इज नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज अगर यहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा वो आएगा लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो दिस इज द डायरेक्शन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज एट दिस पॉइंट, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या ले रहे हैं, ई माइनस क्यू वेक्टर, ई माइनस क्यू वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, ये हो गया E माइनस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू हमारा है 1/4π ε₀ इनटू चार्ज की वैल्यू क्या है, Q है, हमने Q ले लिया, व्हाट इज द डिस्टेंस, अब पॉइंट P से नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस क्या है वो देखते हैं, R प्लस एल, तो यह R प्लस एल होल स्क्वायर। अब हम यूनिट वेक्टर पे फोकस करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के टर्म में हमें कन्वर्ट करना है उसके डायरेक्शन के हिसाब से, तो हमारा नेगेटिव चार्ज इज गोइंग ऑन लेफ्ट हैंड साइड बट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज गोइंग ऑन राइट हैंड साइड, तो मुझे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यूनिट वेक्टर को माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर
फिर हम अरेंज किए इसको, तो e माइनस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू माइनस साइन आएगा यहाँ पे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये हो जाएगा q अपॉन r प्लस l होल स्क्वायर इनटू b। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब दिस इज नॉट नीडेड। अब हम डिस्कस करेंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि अगर ये सारी चीजें हमें मिल गई तो अब हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कि आपने अपने यहां ले लिया रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बिकॉज ऑफ बोथ। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट पी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट पी। वेक्टर हमेशा एड होगा। अब आपको ये नहीं लेना कि आप माइनस साइन सब्ट्रैक्ट कर दो, वो वैल्यू ऑटोमेटिकली कर लेगा, वेक्टर में आपको एड करना है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हम पुट करेंगे, सो हम किसको पुट करें, हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, ठीक है। आई थिंक फॉर बेटर विजिबिलिटी आई यूज ब्लैक मार्कर। सो ये हो गया ई वेक्टर इज इक्वल टू, यहां पे वैल्यूज क्या है, 1 अपॉन पॉजिटिव चार्ज का देखो ई प्लस क्यू, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल होल स्क्वायर इंटू पी यूनिट कैप माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन माइनस क्यू है ये वाला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल होल स्क्वायर इंटू पी कैप। हम क्या कर सकते हैं अगले स्टेप में, वी कैन टेक कॉमन सर्टेन वैल्यूज, क्या कॉमन ले सकते हैं, क्यू को कॉमन ले सकते हैं, आप 4 पाई एप्सिलॉन को कॉमन ले सकते हैं, पी कैप को भी कॉमन ले सकते हो। तो हमने क्यू को कॉमन ले लिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया, पी कैप को हम उस साइड कॉमन ले लेंगे, ठीक है, जस्ट टू कीप द सेम ऑर्डर क्योंकि वो यूनिट कैप है, एंड में रहेगा वेक्टर है प्लस सॉरी माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल रेज टू 2 ब्रैकेट क्लोज। अब हम लिखेंगे ई वेक्टर इज इक्वल टू, ये क्या है, क्यू है, फाइन, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो ये दोनों क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो जाएंगे, r माइनस एल होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल होल स्क्वायर, ठीक है, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे ये हो गया r प्लस एल रेज टू 2 माइनस आर माइनस एल रेज टू 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको एक्सटेंड करेंगे, सो e वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, ये q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैसे ही रहेगा, फाइन, ब्रैकेट क्लोज। एक पॉइंट है जो हमें समझना है यहां पे, कि अगर मान लो हमने कंसिडर किया है यहां पे a स्क्वायर है इंटू बी स्क्वायर, तो इसको मैं इन ब्रैकेट में आई कैन राइट a इंटू बी एंड होल स्क्वायर ऑफ दैट, आई विल यूज दिस कॉन्सेप्ट। सो दिस इज टेकन एज वन क्वांटिटी, दिस टेकन एज वन क्वांटिटी, दिस कैन बी टेकन एज a एंड दिस कंप्लीट वैल्यू कैन बी टेकन एज b, और ऊपर न्यूमरेटर में उसको ओपन करते हैं, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab एन 2rl माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, सो दैट इज व्हाट, a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2 दिस rl, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, अकॉर्डिंगली विल गेट दिस अपॉन, ये वैल्यू का आप कैसे लिखोगे, इन ब्रैकेट आर माइनस एल इन आर प्लस एल, इट इज इन वन ब्रैकेट ए इंटू बी, बेसिकली यू इमेजिन इन दैट एंड होल स्क्वायर ऑफ दैट, ठीक है। मैं भी उस क्वांटिटी को यहां पे फिर से लिख रहा हूं, सॉरी थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है, इट विल मैनेज, फाइन, देख लेते हैं यहां पे क्या करना। सो अगर हमने लिखा यहां पे ई वेक्टर इज इक्वल टू ये क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वी आर हैविंग, फाइन, ब्रैकेट में अभी हमें क्या मिलेगा, ये हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे न्यूमरेटर में, सो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 आर एल देन माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर देन दिस माइनस विल मल्टीप्लाई विद दिस वन एंड इट विल बी व्हाट, प्लस 2 आर एल अपॉन, ये जो क्वांटिटी आपने देखा होगा ना ए माइनस बी एंड ए प्लस बी की तरफ बिहेव कर रहा है, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस
एल स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट उसका होल स्क्वायर फाइन। अब इसमें क्या कैंसिलेशन हो सकता है, एल स्क्वायर में कैंसिल विद एल स्क्वायर, आर स्क्वायर में कैंसिल विद आर स्क्वायर। फिर फाइनली हमें ई वेक्टर का वैल्यू क्या मिलेगा, ये क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट मिला हमें फाइन इनटू टू आर एल। अच्छा एक क्वांटिटी है जो मैं भूल गया हूं यहां पे, ये पी यूनिट कैप, वी शुड नॉट फॉरगेट अबाउट दैट वन, पी यूनिट कैप यहां पर भी है पी यूनिट कैप, इस जगह पे भी हमने पी यूनिट कैप को मेंशन किया ठीक है। सो ये क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ये क्या है, टू आर एल विल टर्न टू व्हाट, फोर आर एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑफ दैट, यहां पे क्या होगा पी यूनिट कैप ठीक है। अब ये पूरा डेरिवेशन हम किसके लिए कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें ऑलरेडी पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ चार्ज हमें पहले से पता, अब हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ डायपोल। तो कब पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के टर्म में, चार्ज के टर्म में होगा तो इक्वेशन में क्यू होगा, बट डायपोल के टर्म में होगा तो इक्वेशन में कैपिटल पी होगा। बट कैपिटल पी की वैल्यू क्या है उस पर फोकस करते हैं। तो कैपिटल पी की वैल्यू होती है क्यू होता है, एल होता है और टू होता है, तो यहां पर हम फोर को ब्रेक करेंगे ठीक है। सो अब देख लेते हैं यहां पे, सो ई वेक्टर इज इक्वल टू, अगर आपको लिखना है तो यहां पे वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन आप यहां पे ले लो ठीक है। अब हमने क्या किया यहां पे क्यू यहां पे रहेगा, हमने फोर से टू बोरो कर लिया और एल ऐसा ठीक है, बोरो ही समझ लो आप ठीक है, और ये क्यू हमने यूज कर लिया, एल यूज कर लिया, यहां से हमने टू ले लिया, अब वॉट इज लेफ्ट, टू आर लेफ्ट अपॉन वॉट इज इन डिनोमिनेटर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर रेज टू टू, और ये होगा पी यूनिट कैप। तो अब हमारा इक्वेशन होगा ई वेक्टर इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये टू है फिर आर है, ये क्यू इंटू टू एल की वैल्यू पी होगी, और फिर हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पी यूनिट कैप। अगर आपको मेंशन करना है तो आप मेंशन कर सकते हो यहां पे वेयर P इज इक्वल टू क्यू इंटू टू एल। तो हमने यहां पे इस वैल्यू को चेंज किया है, यहां पे इस वैल्यू को रिप्लेस किया P से ठीक है। अब अगर मान लो इफ ऐसा हो सकता कि ये डाइपोल बहुत ज्यादा स्मॉल है इन साइज और ये जो पॉइंट ऑफ स्टार्ट है इट्स फार अवे, फॉर एग्जाम्पल एज वी सेड ना बिगिनिंग में हमने जब डाइपोल को डिफाइन किया था तभी हमने डिफाइन किया था कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, लाइक ये हो गया ये फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज, मे बी आपको शायद दिख भी नहीं रहा हो प्रॉपरली और आप स्टडी यहां पे कर रहे हो, तो यहां से सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी आर, और डाइपोल का लेंथ यहां पे होगा एल, तो आर के कंपेयर में एल की वैल्यू बहुत स्मॉल होगी, तो आप यहां मेंशन करोगे इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, तो क्या होगा एल इज नेग्लेक्टेड। आपने ऐसे पैटर्न्स बहुत फॉलो किए होंगे इलेवेंथ में करेक्ट, जब आप L को नेग्लेक्ट कर दोगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E वेक्टर इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इन टू, टू है P है और ये R है अपॉन ये R स्क्वायर है करेक्ट, L को आपने नेग्लेक्ट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा यहां पे स्क्वायर मिस हो गया तो ये स्क्वायर यहां पे, तो फाइनली ये वैल्यू आपको क्या इसमें कन्वर्ट होगा, देन वी गेट E वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैं इसको यही कंटिन्यू कर लेता हूं इस वैल्यूज को, तो कांस्टेंट है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये 2 पी आर है अपॉन ये क्या होगा आर रेज टू 4, और यहां पे पी यूनिट कैप हमें भूलना नहीं है ठीक है। सो क्या होगा ये आर इसके साथ में कैंसिल होगा, फिर फाइनली हमें क्या मिलेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिला हमें, ये 2 पी मिलेगा अपॉन आर आर एस टू 4 को कैंसिल करेगा तो क्या होगा आर एस टू 3, और यहां पे क्या होगा पी यूनिट कैप, ये होगा डायरेक्शन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू या दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट द एक्सियल लाइन और एक्सियल पॉइंट और एक्सियल पॉइंट फाइन ठीक है। थोड़ा सा लिखने में काफी मिसमैनेजमेंट हो गया बट आई थिंक दैट यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या हुआ इस केस में ठीक है। So, अगर आप मैग्नीट्यूड के टर्म में लेते हो, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम पे हमें वेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, जब क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डायपोल पे बेस्ड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड टू डायपोल एंड ऑल, सो वेक्टर साइन इज नॉट नीडेड। तो अगर आप वेक्टर साइन नहीं लेते हो तो फॉर्मूला बहुत सिंपल हो गया, अगर हमने वेक्टर साइन नहीं लिया है तो अगर आप एल की वैल्यू को नेगलेक्ट नहीं करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा
1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज व्हाट, 2 पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर रेज टू 2। अगर हम एल को निगलेक्ट नहीं करते, बट अगर हम एल को निगलेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पी अपॉन आर क्यूब। ठीक है, हम इस फॉर्मूले को, इन फॉर्मूले को यूज करते हैं फॉर न्यूमेरिकल सॉल्विंग, वेक्टर यूज करने की जरूरत नहीं है। बट अगर क्वेश्चन आया, डेरिवेशन आता आपको, तो आपको ये पूरे लिखने पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। समटाइम इफ यू आर नॉट गिविंग वेक्टर एंड ऑल, यू आर लूजिंग 1 मार्क्स, हाफ मार्क्स, डिपेंडिंग ऑन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसके लिए वेक्टर देना बहुत जरूरी है। सो अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट और इक्वेटोरियल लाइन, आप जो भी कंसिडर करना है कर सकते हो। इक्वेटोरियल लाइन पे कोई एक पॉइंट होगा, इट्स इन दैट ओनली। ठीक है, सो हमने ले लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल लाइन और पॉइंट। ठीक है, अगेन वी स्टार्ट इन सेम वे। आपको क्या करना है, दो चार्ज लेना है। सो पहले आपने नेगेटिव चार्ज ले लिया, देन यू विल टेक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इनके बीच का सेपरेशन सेम कंडीशन। सो ये इसका सेंटर हो गया, दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, डिस्टेंस फ्रॉम एंड दिस इज द पॉइंट ओ, ए टू ओ डिस्टेंस इज एल, देन ओ टू बी डिस्टेंस विल बी अगेन एल, एंड एज फार वी अंडरस्टैंड दिस इज वॉट नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज वॉट पॉजिटिव चार्ज। और हमें लेना है डायरेक्शन फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज वो होगा राइट साइड में। ठीक है, यूनिट वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। अब आपको लेना है पॉइंट ऑफ स्टडी, तो हमने पॉइंट ऑफ स्टडी को यहां पर ले लिया, दिस इज द पॉइंट ऑफ स्टडी। पॉइंट ऑफ स्टडी को मैंने पी से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, और जैसा हमने डिस्कस किया था कि पॉइंट ऑफ स्टडी का डिस्टेंस हमेशा सेंटर ऑफ डाइपोल से होगा आर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ड्रॉ करना है कहां पे, पॉइंट पी पे, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले तो आप ले लो, ये है लाइन ज्वाइनिंग, ये है यहां पे ऐसे, पहले ये डिटेल निकाल लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप कंसिडर करो पॉजिटिव चार्ज, ये आर है और ये डिस्टेंस एल है, व्हाट विल बी वैल्यू फॉर दिस, पाइथागोरस थ्योरम। सो फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर, फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, बट हाइपोटेनस की वैल्यू लेनी है तो ये वैल्यू आ जाएगा रूट में। और इसी चीज को हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू 1/2, हमें ये हेल्प करेगा। किसी भी चीज का रूट अगर आपने लिया है, रूट एक्स की वैल्यू को हम लिख सकते हैं एक्स रेज टू 1/2। ठीक है, अब सेम कंडीशन आपको यहां पे मिलता है, ये वैल्यू आपको मिलेगी कितनी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू 1/2। ठीक है, अब हम पॉइंट पी के हिसाब से स्टडी कर रहे हैं चीजों को, तो हम पॉजिटिव चार्ज के लिए पहले ले लेते हैं पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा पॉजिटिव चार्ज के साथ पॉइंट पी पे, तो पॉजिटिव चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो ये होगा डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज का। इसको हमने लिखा ई प्लस क्यू वेक्टर। ठीक है, अब अगर मैं उसके लिए इक्वेशन लिखूंगा तो क्या होगा, इक्वेशन फॉर द पॉजिटिव चार्ज, सो ई प्लस क्यू विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज का वैल्यू क्या है, क्यू है, उसके बाद डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, डिस्टेंस ये अंडर रूट ऑफ, उसका स्क्वायर होगा, तो रूट का स्क्वायर लेंगे तो रूट हट जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या है, जब हम यूनिट कैप ले रहे हैं ना, हमारे यूनिट कैप बेसिक यूनिट कैप क्या है, पी कैप। पी कैप का डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव, उसके ऑपोजिट होगा तो नेगेटिव, बट अगर उसके डायरेक्शन में नहीं है तो हम यूनिट कैप उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेंगे। तो अब ये जा रहा है बी टू पी लाइक दिस, करेक्ट, ये नाइदर इन द डायरेक्शन है नॉर ऑपोजिट है, तो हम इसका खुद का यूनिट कैप क्रिएट करेंगे, तो इट्स गोइंग फ्रॉम बी टू पी, तो बी पी यूनिट कैप। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम ले रहे हैं सेकेंड के लिए, सेकेंड कौन सा चार्ज हो गया, सेकेंड इज फॉर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यहां पे छोटा सा पॉजिटिव चार्ज है ये उसको अट्रैक्ट करेगा,
ये किसका डायरेक्शन होगा, इट इज द डायरेक्शन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। फाइन, उसके लिए इक्वेशन क्या होगा, अच्छा ये वेक्टर साइन लेना मैं भूल गया यहां पे, सो ये होगा e माइनस q वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा 1/4πε0 इनटू हमें मैग्नीट्यूड लेना है चार्ज का, दैट विल बी q अपॉन जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर, तो ये स्क्वायर लोगे मतलब रूट का स्क्वायर लिया आपने तो वैल्यू आपका रूट आ जाएगा। ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये p से a की तरफ आ रहा है तो इसको हमने ले लिया पी ए यूनिट कैप। अब जो बिगेस्ट प्रॉपर्टी प्रॉब्लम है इस केस में वो ये है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू है और माइनस क्यू है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड टू प्लस चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड टू माइनस चार्ज आर नाइदर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नॉट ऑपोजिट टू दैट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब चीजों को रिजोल्व करनी पड़ेगी। अब रेजोल्यूशन के लिए ना आप वेक्टर जैसे रिजोल्व करते हो, वेक्टर रेजोल्यूशन आपको पता, तो वेक्टर रेजोल्यूशन के पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी अगर कोई भी चीज जैसे अभी ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आप बस ये चीज को याद कर लो बेहतर होगा आपके लिए, कि कोई भी वेक्टर अगर इन बिटवीन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये वेक्टर है आपका, इट्स नाइदर ऑन एक्स एक्सिस नॉर ऑन वाई एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस पे भी नहीं है वाई एक्सिस पे भी नहीं है, तो जब ये रिजोल्व होगा तो एक कंप्यूटर उसका एक्सिस पे बनेगा, एक कंप्यूटर उसका वाई एक्सिस पे बनेगा। सिमिलरली अगर ये वेक्टर है, सिमिलरली अगर ये वेक्टर है, ये भी अगेन इट्स नाइदर ऑन एक्स एक्सिस नॉर ऑन वाई एक्सिस, तो अगर ये भी रिजोल्व होगा तो एक कंप्यूटर उसका एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे, एक कंप्यूटर उसका एक्स एक्सिस पे बनेगा। अगर आपने यहां पे वेक्टर लिया है तो ये वेक्टर भी रिजोल्व होगा, तो एक कंपोनेंट उसका एक्स एक्सिस पे, दूसरा कंपोनेंट उसका वाई एक्सिस पे बनेगा, ये फिक्स्ड है अगर वेक्टर हमारा नाइदर ऑन एक्स एक्सिस नॉर ऑन वाई एक्सिस कंडीशन को फॉलो करता है, तो रेजोल्यूशन हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है। सो आप ऐसे कंसिडर करो कि यहां पे जो एंगल है इसको आपने थीटा ले लिया, यहां पे जो एंगल है इसको भी आपने थीटा ले लिया है। ठीक है, हम पहले ई प्लस क्यू को रिजोल्व करेंगे, तो ई प्लस क्यू को जब हम रिजोल्व करते हैं तो आप यहां पे देखो e प्लस क्यू इसका ये y एक्सिस कंपोनेंट ये होगा, ये उसका x एक्सिस कंपोनेंट होगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं इसको मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये कॉमन लाइन है जो ज्वाइन कर रहा है उनको, तो ये हो गया करिस्पॉन्डिंग एंगल। तो जब e प्लस क्यू रिजोल्व होगा, हमने पहले भी ये 11th स्टैंडर्ड आपने किया होगा कि जब दो वेक्टर रिजोल्व, कोई वेक्टर रिजोल्व होता है दो कंपोनेंट बनेगा, एक साइन होगा एक कॉस होगा, जो थीटा से अटैच होगा वो कॉस होगा, तो ये कंपोनेंट थीटा से अटैच है, इसके लिए इसका नाम होगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा। एक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी आप रिजोल्व करते हो ट्रिग्नोमेट्री के साथ में जो भी क्वांटिटी आएगा वो होगा मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर साइन नहीं आएगा। अब ई प्लस क्यू मैग्नीट्यूड में, ठीक है, इसका मतलब मुझे वेक्टर के अलावा मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है। अब जो यहां पे कंपोनेंट बनेगा इस कंपोनेंट का नाम होगा e प्लस क्यू साइन थीटा। ठीक है, हमने इसको रिजोल्व कर लिया, लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया हमें मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है, तो मैं यहां पे लिखता हूं कि e प्लस क्यू वेक्टर एंड e माइनस क्यू वेक्टर इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के टर्म की वैल्यू क्या होगी, पहले मैं ई प्लस क्यू के बारे में लिखता हूं, तो ई प्लस क्यू को अगर मैग्नीट्यूड में लूंगा सिर्फ यूनिट वेक्टर हट जाएगा, 1/4πε0 आएगा उसमें, क्यू आएगा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब समझने वाली बात यह है इसमें कि अगर मैं इसको कंपेयर करूं माइनस क्यू के लिए, तो आप देखोगे ये पूरी की पूरी क्वांटिटीज सेम है यूनिट वेक्टर के अलावा, तो इसका मतलब ये वैल्यू e माइनस क्यू के लिए भी सेम होगा। ये होगा इक्वेशन नंबर 3। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द प्लस चार्ज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द माइनस चार्ज विल बी सेम, कोई वेरिएशन नहीं होगा। ठीक है, अब हमने e प्लस क्यू को रिजोल्व किया, तो अब e माइनस क्यू ने कोई क्राइम तो किया नहीं है, हमें उसे भी रिजोल्व करना पड़ेगा, तो वी विल रिजोल्व e माइनस क्यू। अब e माइनस क्यू को मैं रिजोल्व करूंगा ब्लू मार्कर से, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। तो e माइनस क्यू कितना एंगल बनाता है, अब ये देख लो यहां पे e माइनस क्यू अगर रिजोल्व होगा, ये है e माइनस क्यू, तो इसका एक कंपोनेंट बनेगा x एक्सिस पे, दूसरा उसका कंपोनेंट बनेगा y एक्सिस पे। ठीक है, तो मैंने एक एरो इस पे और बना दिए और ये इस डायरेक्शन में। अब हमें एंगल लेना है, तो जो रिजोल्व कंपोनेंट, तो ये दिख रहा आपको ये एंगल, ये ऑल्टरनेट एंगल, तो ये कंपोनेंट थीटा से अटैच है, तो इस कंपोनेंट का नाम होगा
ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ठीक है, थोड़ा डायग्राम कंजस्टेड हो गया होगा, तो मैं एक काम करता हूं फॉर द बेटर दिस अंडरस्टैंडिंग, मैं इसको रिमूव कर देता हूं, ठीक है, आप स्मार्ट हैं, आप समझ सकते हैं कि ये वैल्यू और यहां पे जो वैल्यूज है वो सेम होगा, ठीक, मैंने सिर्फ रिमूव कर दिया, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड बिफोर. सो ये e प्लस क्यू कॉस थीटा, e माइनस क्यू कॉस थीटा, तो यू कैन सी वी नीड मैग्नीट्यूड ऑफ e माइनस क्यू ऑल्सो, क्योंकि ये कॉस थीटा के साथ में, तो ये कंपोनेंट है इसका नाम क्या होगा, ये होगा e माइनस क्यू साइन थीटा, ठीक है, सबसे पहला स्टेप. अब जो रिजॉल्व कंपोनेंट है उनको देखते हो कहां पे, एक e प्लस क्यू साइन थीटा यहां पे, e माइनस क्यू साइन थीटा यहां पे, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है, जिसमें से e प्लस क्यू और e माइनस क्यू की वैल्यू सेम है, साइन थीटा भी सेम ही होगा, क्योंकि यहां पे थीटा सेम है, तो ये थीटा भी सेम होगा. सो e प्लस क्यू साइन थीटा, e माइनस क्यू साइन थीटा आर इक्वल एंड एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये पॉइंट आपको लिखना बहुत जरूरी है. सो अभी हम लिख लेते हैं, आप लिखोगे यहां पे e प्लस क्यू साइन थीटा एंड e माइनस क्यू साइन थीटा आर इक्वल एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन. सो अगर ये इक्वल ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा, ठीक है, देयरफॉर दे कैंसिल ईच अदर, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मतलब अब हमारे पास इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फिर कौन देगा, e प्लस क्यू कॉस थीटा एंड e माइनस क्यू कॉस थीटा, क्योंकि यही कंपोनेंट्स बच गए. सो अब e प्लस क्यू कॉस थीटा, e माइनस क्यू कॉस थीटा गोइंग इन सेम डायरेक्शन, तो आप वो पॉइंट मेंशन कर सकते हो, e प्लस क्यू कॉस थीटा एंड e माइनस क्यू कॉस थीटा आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, ये सेम डायरेक्शन में, इसके लिए क्या होगा, देयरफॉर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, वो इन दोनों का एडिशन होगा. सो आपने यहां लिखा E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा, अभी मैंने मैग्नीट्यूड्स को ऐड किया है तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में मिला, बट वेक्टर के लिए भी हमें मार्क्स मिलता है, तो अभी हमें वेक्टर देना पड़ेगा, तो हमने यहां पर लगा दिया वेक्टर साइन. तो जब आप यहां पर वेक्टर पुट करते हो तो अब आपको फोकस करना है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के यूनिट वेक्टर पे. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का यूनिट वेक्टर राइट साइड में एक्ट हो रहा है, बट हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में एक्ट हो रहा है, तो इसके लिए जो यूनिट वेक्टर यहां पे आएगा वो आएगा विद माइनस साइन, ठीक है. एक और चीज आपने देखा है यहां पर ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू की मैग्नीट्यूड सेम है इक्वेशन नंबर 3 से, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देयरफॉर ई वेक्टर इज इक्वल टू, मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूं, ठीक है, वन मोर थिंग, माय डेरिवेशन में अपीयर लिटिल लॉन्गर टू यू ऑल, बट जब आप एग्जाम में लिखते हो आप कट शॉर्ट कर सकते हो. दिस आई एम राइटिंग एवरीथिंग जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जब आप किसी की हेल्प नहीं ले रहे हो तो उस टाइम पे आपको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए. सो ई वेक्टर इज इक्वल टू ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और ये भी ई प्लस क्यू कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये पूरा वैल्यू हो जाएगा टू टाइम्स, चलिए ठीक है मैं लिख ही देता हूं, ये थीटा ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस e प्लस क्यू कॉस थीटा, ये हो जाएगा p यूनिट कैप, इनको ऐड करेंगे ये हो जाएगा टू टाइम्स, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू टू टाइम्स e प्लस क्यू कॉस थीटा इन टू p यूनिट कैप, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4. अब इस केस में मैं काफी सारी चीजों को तो पता है मुझे, अच्छा ये माइनस साइन का हमने जो लिया था यहां पे माइनस साइन वो यहां आ जाएगा, ठीक है, एट द सेम टाइम ये माइनस साइन यहां आ गया, ठीक है, आपको ई प्लस क्यू के बारे में पता है आप यहां से निकाल सकते हो, ठीक है, बट कॉस थीटा नहीं पता है, तो कॉस थीटा भी हम क्या करेंगे, वी आर टेकिंग ट्राइंगल. सो कौन सा ट्राइंगल हम यूज कर रहे हैं, इन ट्राइंगल, अब ये लो ओ बी पी ट्राइंगल ले लिया हमने, इन ट्राइंगल ओ बी पी, तो उसके हिसाब से हमने कॉस थीटा की वैल्यू निकाली, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, cos theta is base upon hypotenuse, base क्या है यहां पे OB है, and what's the hypotenuse, hypotenuse is this BP quantity, so OB का वैल्यू क्या है, OB is L, और B to P distance का वैल्यू क्या है,
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेस टू वन बाई टू, आप रेस टू वन बाई टू के टर्म में लिखो, दैट इज बेटर, क्योंकि आपको वो हेल्प करेगा फ्यूचर में, ठीक है, रेस टू वन बाई टू। ये है इक्वेशन नंबर फिफ्थ। अब हम पुट करेंगे, किसको कहां पुट करना है, अब आप पुट करोगे इक्वेशन नंबर थ्री को इक्वेशन नंबर फिफ्थ को इक्वेशन नंबर फोर्थ में। सो पुट इक्वेशन नंबर थ्री एंड इक्वेशन नंबर फाइव इन इक्वेशन नंबर फोर, सो क्या मिलेगा हमें, ठीक है। सो हमने क्या किया, यहां पे लिया हमने e वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टू विल बी देयर, e प्लस क्यू का वैल्यू क्या है वहां से ले लो, मैग्नीट्यूड जो वैल्यू था वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब उसके बाद जो क्वांटिटी है कॉस थीटा की वैल्यू पुट करनी है हमें, कॉस थीटा का वैल्यू एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेस टू वन बाय टू, और यहां पे होगा पी यूनिट कैप। वेक्टर को नहीं भूलना है अगर आपको मार्क्स लूज नहीं करना है तो, ठीक है। अब एक और जो हमने पहले लर्न करा हुआ, मैं यहां पे जगह लिख देता हूं कि अगर ये r रेस टू x है और r रेस टू y है, मतलब बेस अगर सेम होगा तो जो उनका पावर है वो ऐड हो जाएगा, सेम कंडीशन यहां हो जाता है। तो आपने लिया यहां पे e वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टू इंटू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। कभी कभी हम एक्साइटमेंट में इस टू को इस फोर के साथ में कैंसिल कर देते हैं, दैट विल बी द बिगेस्ट मिस्टेक। फिर आप पूरे डेरिवेशन में ढूंढते रह जाओगे आपको करना क्या है, दैट मिस्टेक डोंट डू व्हाइल डूइंग दिस डेरिवेशन। क्यू और एल को हमने एक साथ में ले लिया, यहां पे क्या है वैल्यू आर स्क्वायर है प्लस एल स्क्वायर है, इनके जो पावर से वो एड होंगे, तो जो पहला फर्स्ट पावर है ना, मैं यहां पर देखो दिखा देता हूं मैं, वट इज द वैल्यू, जो फर्स्ट का पावर है दैट इज वन, और जो सेकेंड वैल्यू है उसका पावर क्या है वन बाई टू है। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये टू प्लस वन ये हो गया थ्री बाई टू, तो इसका पावर हो जाएगा थ्री बाई टू, ठीक है। अब एक और चीज है, हमें क्या करना है, हमारा मेन टास्क यही है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल निकालना है। तो जब तक वो क्यू के टर्म में, मतलब वी आर हैविंग इन्फॉर्मेशन टू चार्ज, जब डाइपोल के टर्म में तब होगा जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे कैपिटल पी के टर्म में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो अब क्या करना है, यहां पे आप ढूंढ लो उस क्वांटिटी को, तो ये ई वेक्टर है इसको ये माइनस है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहां पे मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बिकॉज आई कैन टेक इट डायरेक्टली ओवर हियर। यहां पे टू है बराबर, ये क्यू है और ये एल है, तो इसका मतलब वो वैल्यू ऑलरेडी किसके इक्वल है, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो वेयर कैपिटल पी इज इक्वल टू क्यू इंटू टू इंटू एल, ठीक है। हम वो वैल्यू डायरेक्टली रख देते हैं यहां पे, सो हमने क्या किया यहां पे लिखा कैपिटल पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेस टू थ्री बाई टू पी यूनिट का। एक फेवरेट कंडीशन जो हमने पिछले डेरिवेशन में भी यूज किया था वो क्या है, इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, तो क्या होगा एल इज नेग्लेक्टेड, अगर आप एल को नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू ये माइनस होगा वन अपॉइंट फोर पाई एप्सिलॉन नॉट होगा ये, ठीक है, ये पी होगा, यहां पे एल को आपने नेग्लेक्ट कर दिया तो क्या होगा आर स्क्वायर इनटू थ्री बाई टू, ना पावर में ही होगा ये टू और ये टू कैच हो जाए पी यूनिट का। सो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिलेगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू पी अपॉन आर रेस टू थ्री पी यूनिट का, ठीक है। ये है फाइनल इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट द इक्वेटोरियल पॉइंट। अब जैसा मैंने पहले ही बताया था कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये वेक्टर फॉर्म वाले इक्वेशन को लेने की जरूरत नहीं है, आप मैग्नीट्यूड वाला फॉर्म भी लेते हो तो भी चल जाएगा। तो अभी देख लो, जैसे अगर मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करना है मुझे इक्वेटोरियल पॉइंट वाले इक्वेशन को यूज करते हैं तो ई वेक्टर ई इज इक्वल टू वन अपॉन फोर बाय एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेस टू थ्री बाई टू, और अगर आप L को नेग्लेक्ट कर देते हो तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P अपॉन R क्यू, ठीक है। अब क्वेश्चन एक और है कि आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट विद इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। बहुत सिंपल सा है ये, तो बेसिकली कभी कभी न्यूमेरिकल वगैरह में यूज हो जाता है,
बहुत पुराने पेपर्स में पूछे हैं रिलेशन बिटवीन दीज टू. सो मैंने यहां पे लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट. कभी कभी डेरिवेशन में रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे ई एक्सियल ई इक्वेटोरियल भी लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे. तो यहां पे है 1/4πε0 हो गया ये इंटू ये क्या है 2π/r³. मैं कौन सा इक्वेशन ले रहा हूं जिसमें हमने ना निगलेक्ट किया है एल की वैल्यू को, तो हमें कंपेयर करना बहुत इजी होगा. 1/4πε0 इंटू ये क्या है p/r³. ठीक है, ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2. तो आप ऐसे बोल सकते हो ना पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1. क्यों? देखो आप यहां पे सिर्फ 2 को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज इक्वेटोरियल पॉइंट से मैच करती है. तो ई एक्सियल का वैल्यू क्या होगा 2 रहेगा, बाकी ये पूरी वैल्यूज यहां पे है तो ये किसके इक्वल है ई इक्वेटोरियल. ठीक है, तो जो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2 टाइम्स है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट. ओके, आई होप यू विल अंडरस्टूड what is electric dipole, what is electric dipole moment, what is electric field at the axial point due to electric dipole, and what is electric field at the equatorial point due to electric dipole. Thanks a lot.